करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीड़ी पीने से देश को सालाना 80 लाख करोड़ का नुकसान। बाल श्रम कानून की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। मंडी प्रांगण में बच्ची से कराई जा रही मजदूरी। अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए खंडवा में भी शौर्य यात्रा निकाली। तो अब खबरें विस्तार से। बीड़ी पीने से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान और समय से पहले मौत होने से भारत को सालाना 80,000 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 2% है। यह बात एक शोध रिपोर्टर में सामने आई है। देश में बाल श्रम पर कानूनी रोक के बावजूद लोग नियमों को ताक पर रखकर नाबालिग बच्चों से काम करा रहे हैं। बाल श्रम की एक ऐसी ही तस्वीर सीधी के धान मंडी में देखने को मिली, जहां एक मासूम पढ़ने लिखने की उम्र में मंडी में काम कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खंडवा में भी शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा संतों के आदेश पर कार्यकर्ताओं ने नगर निगम चौराहे से शुरू करके विभिन्न मार्गों से निकाली और फिर से नगर निगम पर ही समाप्त की। शौर्य यात्रा में राम मंदिर निर्माण को लेकर संतों ने रणनीति तैयार की है। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।